Sayyed Muhammad Asnada from mathymath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 1.5. The statement of the question is 6 men can paint a house in 4 days. 6 aadmi ek ghar ko 4 dino ke andar paint kar sakte hain. Agar yahan par aadmiyon ki tadad 6 ki bajaye 3 kar di jaye to ye is ghar ko kitne dino mein paint karenge. So yahan par हमने डेज फाइंड आउट करने हैं. तो हमने सपोज किया कि x आर द नंबर ऑफ डेज जिसके अंदर तीन आदमी जो है ना इस घर को पेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से दो वेरिएबल्स हैं, एक मैन है एक डेज है. तो सिक्स मैन फोर डेज में उसको पेंट कर सकते हैं. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि थ्री मैन x नंबर ऑफ डेज में इसको पेंट कर सकते हैं. तो इसे जिस वक्त हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर 3:6 प्रोपोर्शन 4:x. सो 3/6 इज इक्वल टू 4/x. सो यहाँ x क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, जब इस साइड पर आएगा तो ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 × x इज इक्वल टू 4 × 6. तो 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/3 और x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली है ये कि यहाँ पे बेसिकली ये एक इनवर्स जो है ना वो प्रोपोर्शन था. इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए था क्योंकि इस अब मैन कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. तो यही काम जो कि 6 आदमी 4 दिनों में कर रहे थे वो 3 आदमी जो है ना वो 8 दिनों में करेंगे. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम. थैंक यू वेरी मच.